हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने फोटो में गाना या म्यूजिक कैसे लगा सकते हो अपने मनपसंद का, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से। मतलब इसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गाइस, आपने बहुत सारा ऐसे फ़ोटो देखे होंगे, अगर आप उस फोटो को प्ले करते होंगे तो उस फोटो के साथ म्यूज़िक भी प्ले होता है, यानी कि म्यूज़िक भी चलता है। तो गाइस, फिर आप भी सोचते होंगे कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ ताकि मैं भी अपना फ़ोटो को प्ले करूं तो मेरे भी फ़ोटो के साथ म्यूज़िक प्ले हो। उदाहरण के तौर पर गाइस, बहुत सारा आप लोग ने व्हाट्सएप तो स्टेटस देखे ही होंगे, जहां पर जो बंदा स्टेटस लगाता है, अपना फ़ोटो लगाता है, जैसे ही वो उस फ़ोटो को प्ले करते होंगे, यानी कि जैसे ही आप उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखते होंगे तो उस फ़ोटो के साथ म्यूज़िक भी होता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। गाइस, यदि आप भी चाहते हो अपने फ़ोटो पर गाने यानी म्यूज़िक लगाना तो अपने मनपसंद का, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ईजी सिंपल स्टेप्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल एसके ज्ञान। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को दबाकर लाइक से ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाते रहता हूँ। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन ऑन कर लिया है। अब आपको गूगल फोटो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जो कि गाइस देखने में कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। मतलब कि इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। गाइस, गूगल फ़ोटो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, आप चाह कर भी इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गूगल का ही ये एप्लीकेशन होता है। मतलब कि गूगल की तरफ से ही ये फ़ोटो एप्लीकेशन होता है, मतलब कि आपके फ़ोन में ऑलरेडी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, और गाइस इसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ये कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है। गाइस, अब ओपन करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, और गाइस इस साइड में आपको एक लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस कुछ इस तरह से आपके फ़ोन में जितने भी फोल्डर होगा यहाँ पे शो कर जाएगा। आपको वो फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोल्डर में आप अपना फ़ोटो को रख रखे होंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरे फ़ोन में जितने भी फोल्डर था सारा शो कर चुका है। मैं इस वाले फोल्डर में फ़ोटो को रख रखा हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। ऊपर में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस, क्लिक करते ही पहले नंबर पे सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइस, क्लिक करते ही यहाँ पे आपको मल्टीपल फोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब कि आपको मल्टीपल फोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर 2 या फिर 10, आप जितना चाहें फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये लास्ट मैंने यहाँ पे 5 फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट कर लेने के बाद ऊपर में आपको एक प्लस का आइकॉन देखने को मिलता है, सिंपली आपको प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। और तीसरे नंबर पे मूवी करके एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको मूवी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइस, क्लिक करते ही 2 या 3 सेकेंड का प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। गाइस, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है, मतलब कि आप अपना फ़ोटो को कितने देर में चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि आपका फ़ोटो कितना देर में चेंज होते रहे। यहाँ से आप इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको स्क्रॉल करके आप अपना फ़ोटो का ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप फुल कर सकते हैं, जितना चाहे आप उतना रख सकते हैं। मतलब ये इतना करने के बाद इतना देर में आपका फ़ोटो चेंज होता रहेगा, मतलब पहला फ़ोटो इतना देर में चेंज होगा, फिर इतना देर में, फिर इतना देर में। मैं फटाफट से सबको हाफ हाफ कर देता हूँ, मतलब कि आधे आधे मैंने सबको कर दिया है।
कर देने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। फिर आपको इस साइड में एक म्यूजिक का आइकॉन देखने को मिलता है, सिंपली आपको म्यूजिक वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है, तो आपको दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्लिक करते ही थीम म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करते ही आपके फोटो मतलब कि गूगल फोटो में जितने भी म्यूजिक होंगे, जो कि गूगल के ऑलरेडी म्यूजिक होते हैं, जो कि आप सुन पा रहे होंगे, इसे भी आप लगा सकते हैं अपने फोटो पे। यहाँ पे जितना आपको बहुत सारा आपको हर फोल्डर पे देखने को मिल जाएगा बहुत सारा म्यूजिक, आपको राइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही गाइस यहाँ से ये म्यूजिक ऐड हो चुका है, जो कि ये गूगल फोटो पे जो ऑलरेडी होता है वो सिलेक्ट हुआ है। यदि आप चाहते हो अपने फ़ोन का म्यूजिक सेट करना, यानी कि आपके फ़ोन में जो म्यूजिक है आपने मनपसंद जो डाउनलोड किया होगा उसको करना, तो आपको उसी पे क्लिक करना है। और पहले नंबर पे जो माई म्यूजिक का ऑप्शन था उसके ऊपर क्लिक करना है। गाइस माई म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके फ़ोन में जितने भी म्यूजिक होंगे तो वो सारा आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। आपको वो म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेना है जो आप अपने फोटो में ऐड करना चाहते हो। तो फटाफट से मैं वो म्यूजिक को ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस म्यूजिक को मैं ऐड कर लेता हूँ। शिकायत कर दूं तुझको गले, तो आपको राइट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जिस भी म्यूजिक को ऐड करना चाहते हो। ऐड कर देने के बाद आपके फोन फोटो पे ये म्यूजिक लग चुका है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में सेव का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही 2 से 4 सेकंड का प्रोसेसिंग होगा, मतलब कि आप जितने फोटो लगाए होंगे उतना आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4-5 फोटो को सिलेक्ट किया है, तो आप देख पा रहे होंगे इतना ही मेरे मतलब इतना ही आपको टाइम आपके भी फ़ोन में लगने वाला है। इस तरह से हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद दूसरे नंबर में नीचे में देख पा रहे होंगे सर्च का आइकॉन है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते यहाँ पे देख पा रहे होंगे वीडियो कॉल करके एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करते जो अभी आपने वीडियो क्रिएट किए होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यही वीडियो को अभी क्रिएट किया था, वो देखने को इजीली आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक बार टच करना है। टच करते ही गाइस ऊपर में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे डाउनलोड करके एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते यहाँ पे देख पा रहे होंगे डाउनलोडिंग हो रहा है, और जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट होता है तो सिंपली आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे डाउनलोड हो चुका है। अब गाइस मैं अपने मोबाइल फोन के मतलब कि गैलरी में भी आपको जाके दिखा देता हूँ ये वीडियो सेव हुआ है या फिर नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डाउनलोड वाले फोल्डर पे शो कर चुका है। यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने लाइव प्रूफ प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।